गाइस टू रियल एस्टेट देसी, आज मैं वापस आया हूँ सेक्टर 10 में और आज हम मिलेंगे रचित जी से जो प्रोजेक्ट हेड करते हैं अरिहंत द बोर्ड, और इनसे थोड़ा सा लोकेशन के बारे में समझेंगे और प्रॉपर्टी के स्टेटस के बारे में जानेंगे। तो ओवर टू यू रचित, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आप ब्रीफ करें कि क्या लोकेशन है और क्या पोटेंशियल है इस लोकेशन का। थैंक यू सो मच अर्षद जी, जैसा कि आज आप आए हैं दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से, आप अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं। हम इस वक्त अरिहंत अवार्ड की साइट पे खड़े हुए हैं। इस साइट पे आने के लिए लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। जो भी हमारे व्यूवर्स कस्टमर्स दिल्ली स्टे करते हैं या फरीदाबाद स्टे करते हैं, फरीदाबाद वाले लोगों के लिए हमारे पास कनेक्टिविटी आपका एक्सप्रेसवे के लिए जो सीधे आपका FNG से कनेक्टेड है और डायरेक्ट आप गौर सिटी चौक पे आएंगे, वहाँ से हार्डली 5 से 6 मिनट की डिस्टेंस पे राजेश पायलट चौक पड़ता है जहाँ पे ये अरिहंत अवार्ड की प्रॉपर्टी आपके सामने खड़ी हुई है। जो भी हमारे कस्टमर्स दिल्ली रहते हैं और जो NS24 कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं, वो सीधे NS24 पे आके ताज एक्सप्रेसवे ले लें, उस ताज एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टिविटी गौर चौक है। और अगेन मैंने बोला, गौर चौक से ये हार्डली 5 से 6 मिनट की डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी आपके सामने खड़ी है। इस प्रॉपर्टी में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी है जो आपको ईस्टर्न पेरिफेरल, NS24, यमुना एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ आपका दादरी कनेक्टिविटी, NS24 के आगे एक्सप्रेसवे मेरठ कनेक्टिविटी भी डायरेक्टली देता है हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव पे। तो थोड़ा सा रचित, आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि कितना एकड़ का लैंड है, कितने टावर्स हैं, क्या क्या इसमें हम एमिनिटीज दे रहे हैं और आज प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। बिल्कुल, जैसा कि अर्षद जी आप देख रहे होंगे, प्रॉपर्टी आपके सामने खड़ी है, मेरे बैकग्राउंड में आपको टावर्स बने हुए दिख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा लैंड पैच जो है ये 5 एकड़ का लैंड है। इस 5 एकड़ के लैंड में सिर्फ हम 2.5 एकड़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जिस 2.5 एकड़ के बचे हुए पार्ट में हम 2 एकड़ का सेंट्रल पार्क के सोसाइटी को दे रहे हैं, इसके साथ साथ 0.5 एकड़ में हम लैंडस्केपिंग कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए, प्रीमियम ऑरा देने के लिए। हमारा ये फ्रंट का पैच है जहाँ पे हम कॉमर्शियल करीब अपनी 36 शॉप्स लेके आए हैं जो इस सोसाइटी को डेडिकेटेड दी गई है, ताकि आपके पास डेली ग्रॉसरी से रिलेटेड, डेली एमिनिटीज से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो इजिली फुलफिल हो सके। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस की। तो आप जैसा कि मेरे सामने देख रहे हैं, ये टावर्स आप देख रहे हैं, ये टावर्स HIJK इस वक्त आपके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें हम परमिशन दे चुके हैं, इसमें फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, इन फैमिलीज ने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है। और इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जो आप हमारे इस ऑफिस के ठीक पीछे देख रहे हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका पोजीशन भी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर आपका दीपावली तक देने वाले हैं। इसी में हमारी बुकिंग्स भी चालू हैं और हमने अपने भी नए टावर्स लॉन्च किए हैं फ्रंट पे, जो हमारे टावर्स हैं ABC टावर। इन टावर्स को हम प्रीमियम कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए हैं। अगर हम बात कनेक्टिविटी की बात करें, लोकेशन की बात करें, व्यू की बात करें, डे लाइट की बात करें, एयर फ्लो की बात करें, सनसेट की बात करें, सन राइज अर्ली मॉर्निंग का जो हमें व्यू चाहिए उसकी बात करें, तो ये 3 टावर फ्रंट के हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यही रीज़न है कि अरिहंत अवार्ड आज की डेट में नॉट टू बी से दैट 100% जस्टिफाइड प्रॉपर्टी है, जो आपको ROI देता है, जो आपको टाइम पे पोजीशन देता है, जो आपको टाइमली एप्रिसिएशन देता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने पैसा दिया, क्या आपको चाबी मिलेगी? तो आई एम श्योर नहीं, 200% श्योर कि चाबी आपको 100% मिलेगी, मिली है। आप चाहे तो सामने हमारे जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो रचित, आप थोड़ा सा जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स हैं इनका स्टेटस एक बार आप दिखा देंगे, कितना कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ देखिए। पहले तो हमारे ये HIJK टावर्स इस टाइम पे रेडी पोजीशन में खड़े हैं जहाँ फैमिली शिफ्ट होना शुरू हो गई है। इसी के ठीक सामने देख रहे हैं गैप है, ये हमारा क्लब हाउस है, 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, फुल्ली लोडेड क्लब हाउस है, जिसमें इंडोर एमिनिटीज इस तरीके की दी गई है जो पूरे नोएडा एक्सटेंशन में 5 एकड़ के लैंड में किसी भी बिल्डर के पास नहीं है, क्योंकि ये 100% माइमन कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ जो बिल्डर है एग्जिस्टिंग, पिछले 25 साल से मार्केट में काम कर रहा है, जिसने अपनी ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टी नोएडा एक्सटेंशन में डिलीवर की हुई है। तीसरा ये अरिहंत अवार्ड है, इसके साथ इन्होंने चौथा अपना अरिहंत 1 के नाम से अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सेक्टर 1 में। तो आप इनके बैकग्राउंड के बारे में इजीली समझ सकते हैं कि ये कमिटेड टू डिलीवर हैं, इन्होंने अपनी चीज़ों को ऑन टाइम कमिट करके डिलीवर किया, यही इनका ट्रस्ट है जो आज मार्केट में कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी यहाँ पे आज इन्वेंट्री का स्लॉट जो हम बात करें कि हमें चॉइस मिल जाएगी बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? रीज़न की डिमांड ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट की। तो जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी उनके मन में डाउट है अरिहंत को लेके, तो प्लीज़ घर बैठ के अपने डाउट्स को क्लियर ना करें। आप आएँ प्रैक्टिकली इस साइट पर देखें कि हमारी एमिनिटीज़ कितनी अच्छी है। क्लब हाउस फुल्ली लोडेड क्लब हाउस, ये हमारे टावर हैं सामने, DEF टावर है जिसका कंस्ट्रक्शन करीब 12th फ्लोर पर चल रहा है इस वक्त। नेक्स्ट ईयर हम पोजीशन देने वाले हैं इनका।
इसमें हम बात करें एमिनिटीज की, तो सबसे पहले तो मैं लेआउट की बात करूंगा। पूरे नोएडा एक्सटेंशन में 5 एकड़ के लैंड में किसी भी, चाहे आप प्रीमियम में जाइए, चाहे अफोर्डेबल में जाइए, चाहे लग्जरी में जाइए, किसी भी बिल्डर का लेआउट ऐसा नहीं कि जहां पे आपको एक फ्लोर पर सिर्फ 4 फ्लैट देता हो, कॉर्नर यूनिट्स के साथ में, प्रॉपर डे लाइट के साथ में। इसके साथ साथ सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि 2 BHK में 4 बालकनी है, यहाँ पे आप 2 BHK लें, 3 BHK लें, आपको 4 बालकनी हर फ्लैट के साथ दी जाती हैं, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, प्रॉपर डे लाइट आपको मिले। इसके बाद हम बात करें कि क्या यहाँ पे इंटरनल एमिनिटीज़ के अलावा भी कुछ एमिनिटीज़ हैं। बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा सेंट्रल पार्क है 2 एकड़ का, इसमें हमने बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको देने वाले हैं। चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन है, शायद आपको व्यू नहीं दिखेगा, अगर आप मेरा लेआउट देखेंगे, हमने सारा मेंशन किया हुआ ऑन पेपर हम क्या देने वाले हैं। इसके साथ हम बात करें कि आपको यहाँ पे फंडिंग्स के क्या सपोर्ट है। सबसे पहली चीज़, ये लैंड 100% पेड अप लैंड है, यानी कि आप सेफ एंड सिक्योर है अपने पोजीशन के मामले में, किसी भी तरीके का अथॉरिटी का कोई ड्यू नहीं है, ना टैक्सेस को लेके, ना लैंड को लेके। इसके बाद बात करें कि कौन सी बैंक्स यहाँ पे सपोर्टिव हैं। HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक यहाँ पे पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करके यहाँ पे फंडिंग्स मुहैया करा रही हैं। इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट अगर बैंक्स की बात करें, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी अवेलेबल है, SBI भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुका है, इजीली फंडिंग एक्सेस करा सकते हैं आप। इसके साथ साथ हमने रिसेंटली कैनरा बैंक को भी अपने साथ ऑथराइज किया है, अब कैनरा बैंक भी इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने जा रही है। तो आप समझिएगा, आपको क्यों इस प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट करना चाहिए। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक आपके सामने रेडी टू मूव इन कंडीशन में, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम, ऑफिस इस टाइम पे लाइव है आपके सामने। आप कभी भी आइए, अपने कोई भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए। फिर भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा अशर जी उसको आप 100% हैंडल करें और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। बेसिकली ये टावर्स हैं आपके, जिसमें आप जी टावर का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और दिसंबर तक हम पोजीशन दे रहे हैं। उसके अलावा DEF, ये 3 टावर हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अराउंड 12-13 फ्लोर तक बन चुका है। ABC टावर हैं हमारे पास जो अभी इनिशियल फेज में है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50-60% कंस्ट्रक्शन है और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जहां पर 1 से 1.5 साल के अंदर आपको पोजीशन मिल रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको मैं सैम्पल फ्लैट आपको विजिट कराता हूं। हमारे पास यहां पर 2 BHK एंड 3 BHK का ऑप्शन है, प्लस मैं आपको क्लब हाउस दिखाऊंगा, जो कि एमिनिटीज़ वाइज, जैसे रचित ने आपको बताया कि ऐसी एमिनिटीज़ आपको पूरे सोसाइटी या ऐसी एमिनिटीज़ पूरे आपको नोएडा एक्सटेंशन में प्रोवाइड नहीं होगी, वो क्लब हाउस में आपको दिखाता हूँ, आपको एक फील आएगा, बहुत ही लैविश क्लब हाउस है। तो चलिए आप मेरे साथ, अब हम सैम्पल फ्लैट विजिट करते हैं और प्रॉपर्टी को अंदर से देखते हैं। हम आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट देखने, 1270 स्क्वायर फीट का। तो ये तकरीबन 15x10 का एरिया आपका रहेगा ड्राइंग डाइनिंग का, जिसके साथ हमारी बालकनी अटैच है जो इंटरनल फेसिंग होगी, या फिर उस तरफ के आप अपार्टमेंट रहते हैं तो बाहर की तरफ फेसिंग आपको मिलेगा। पहला बेडरूम आपको मिलता है तकरीबन 10x10 का, इसके साथ भी आपकी बालकनी आपकी अटैच है। ये सामने सारा कमर्शियल रहेगा, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना व्यू आपका ओपन हो जाएगा। फिर ये ड्राइंग डाइनिंग क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड पे हमारा किचन एरिया आता है, 8x9 का स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस आपको किचन प्रोवाइड हो रहा है 3 BHK 1270 स्क्वायर फीट में, जहाँ पर दोनों तरफ आपका वर्किंग स्टेशन रहेगा। और ये हमारा फ्रिज का एरिया रहेगा, तो आपको फ्रिज बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपना ड्राइंग डाइनिंग का, काफ़ी स्पेस हमारा बच रहा है। प्लस यूटिलिटी एरिया आप देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज यूटिलिटी एरिया आपको प्रोवाइड हो रहा है, तकरीबन 7 फिट की वाइड बालकनी है, जो हमारा दूसरा रनिंग बालकनी रहेगी जो बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। तो हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। फर्स्ट आपका जब मूव करते हैं तो कॉमन वॉशरूम आता है, 5x7 का स्पेस ही आपको प्रोवाइड हो रहा है और टॉप मोस्ट ब्रांड की फिटिंग्स आपको यूज़ मिलेंगी यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो स्पेस आएगा 10x10.5 का स्पेस आता है, इसके साथ हमारा वार्डरोब आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसके बाद जो हमारा स्पेस आता है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये हमारा 10x12 का स्पेस है, जिसके बाद कबर्ड जो सामने आप देख रहे हैं, प्लस आपका वॉशरूम का स्पेस आपको प्रोवाइड हो रहा है, प्लस आपकी बालकनी है रनिंग बालकनी जो किचन से हमारी आ रही है। तो ये मास्टर बेडरूम रहा आपका 10x12 का। फिर हमारा थर्ड बेडरूम 10x10 का स्पेस, 10x10.5 का स्पेस, इसके साथ भी कवर्ड स्पेस आपको प्रोवाइड हो रहा है।
तो एक रूम में आपकी कबर्ड नहीं है, अदरवाइज दो रूम में आपको कबर्ड का स्पेस प्रोवाइड हो रहा है। 3 BHK 1270 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेबर सामने आप टावर्स देख सकते हैं कोको काउंटी, और उधर जो टावर अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है वो आपका CVTech का प्रोजेक्ट है, और ये जो लैंड आपकी है ये अलाइट जो 3 BHK एंड 4 BHK वाला अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शन लेके आया है, जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 BHK जो स्टार्ट होती है 1.5 crore से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स भी आपको मिलते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, प्लस जो अभी लॉन्च होने हैं वो सब चीज़ें भी मिलती हैं सेक्टर 10 और 12 में। तो ये हमारा था 3 BHK 1270 स्क्वायर फीट का साइज़, 3 BHK 2T के साथ 4 बालकनी के साथ, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट प्रोवाइड होती है। आप जैसे देख सकते हैं इस वीडियो में भी आपको हर रूम में सनलाइट आ रही है, आपका नेचुरल लाइट आ रही है।